हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस आईडी कैसे लें। आपको भी ओडिशा गवर्नमेंट का जो मोस्ट सेवा केंद्र आईडी चाहिए तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से 100% गारंटी है, क्योंकि मुझे भी मिला। मैं कैसे अप्लाई किया था, क्या क्या किया था, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई, पहले आपको जो कि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आईडी नहीं मिलता है। देखो, आपके पास पक्का या कच्चा एक सेंटर होना चाहिए, मतलब एक घर होना चाहिए जिस जगह पर आप जो कि मोसवा केंद्र खोल सकते हो, और नहीं भी है तो आप एक नया वाला बनवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, और भाई आपके पास जो कि 2 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर, उसके साथ फिंगरप्रिंट डिवाइस, बैटरी बैकअप, प्रिंटर, स्कैनर, जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब कुछ होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप एक भी होगा तो तब भी चलेगा। वहाँ पर जो कि पूछा जाता है कि आपके पास कितना डेस्कटॉप लैपटॉप है, बट मैंने जो जो भी बताया, जो कनेक्टिविटी, पावर बैंक, मतलब जो बैकअप, बैटरी बैकअप, ये होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी पावर कट हो सकती है, उस टाइम में कोई कस्टमर आ जाता है तो वो काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको एक पावर बैंक, जो कि मतलब बैटरी बैकअप रखना है। ये सब कुछ आपका सेंटर में है कि नहीं, ये सब कुछ पूछा जाता है। है तो भाई आपका आईडी भी मिल जाएगा। आगे थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों, आपका पासबुक, जो कि आधार कार्ड, पान कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि उसके बाद जो कि आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, उसके बाद दोस्तों आपका जो कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगती है, जो कि आप 10th जो भी हो आपका, जो कि वहां पर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देने के लिए पड़ती है। पासपोर्ट साइज का फोटो, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और आपका जो सेंटर का इन साइड और आउट साइड का फोटो, बस इतना आपका जो कि डॉक्यूमेंट एरिया में लगती है। इतना सब कुछ पहले से है या हो जाता है तो दोस्तों आपको जो कि इंस्टेंट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, मतलब कुछ दिन में। ऐसा नहीं कि आज सबमिट कर दे और आज ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या 1 वीक या 2 वीक में आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा आपके पास। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट आईडी है वो आपको किसी को, जो कि किसी आपको फ्री में नहीं देगा, वहाँ पर पैसा भी लगती है। मिनिमम जो कि आपके पास 10 से 12 हज़ार रुपये लगेगा, और पहले से आपके पास सहज आईडी है तो थोड़ा कम पैसा खर्च होगा। नहीं तो आपके पास कोई भी आईडी नहीं है, मतलब सहज आईडी नहीं है तो ये, क्योंकि सहज और ओडिशा गवर्नमेंट ने टाइप किया गया है तो दोनों मिल के सहज ही जो कि इसे देख रहा है, तो इसलिए आपको जो कि वहाँ से भी पैसा लगेगा। आपके पास सहज आईडी नहीं है तो दोनों मिला के 10-12 हज़ार रुपये आपको खर्चा होगा। यहाँ पर किसी पर भी आपको कैश देने के लिए नहीं पड़ेगा, सीधे आपको ऑनलाइन पर ही पेमेंट करने के लिए पड़ेगा। जैसे कि सहज आईडी आपको जो कि लगभग 7 हज़ार रुपये तक जो कि लग जाएगा, और जो मोस्ट सेवा केंद्र आईडी है वो 5000 रुपये लगेगा। देखो भाई, 5000 रुपये ये मोस्ट सेवा केंद्रों में जाती है, और जो 7000 रुपये आपका सहज आईडी पर एपीएस चलाने के लिए, वहाँ पर 5000 रुपये लेते हैं, और जो बाकी का 2000 रुपये वो IRCTC आईडी आपको प्रोवाइड करते हैं, डंगल, उसके साथ डंगल भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उन लोग जो कि 7000 रुपये वो अलग से लेते हैं। टोटल 12000 रुपये आपको खर्चा हो जाता है। आप अपने सहज आईडी पर ही पैसा को ऐड करना है, वहाँ पर ही जाके पे करना है, ऑनलाइन पर ही, किसी पर भी आपको 1 रुपया नहीं देना है। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट पत्र, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी मैंने बताया था, उतना सब कुछ हो जाता है। और आपने जो कि जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट होती है वो ऑफलाइन में ही जो कि वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन में अप्लाई किया नहीं जाता है। तो जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है, कुछ दिन के बाद आपका जो कि सहज आईडी आ जाएगा। आने के बाद आपको जैसे ही आप पैसा पे कर देते हो तो दोस्तों आपके पास जो कि मोसभा केंद्र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जैसे कि मेरा मोसभा केंद्र डैशबोर्ड देख सकते हो, साइड में कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है, और जो कि सहज आईडी का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई, आप सोच रहे हो कि आईडी लेने के लिए कहाँ, कैसे जो कि कॉन्टैक्ट करके कैसे लें, तो भाई ये ऑनलाइन में तो अप्लाई कर नहीं सकते हो। तो भाई, मैंने जो कि डिस्क्रिप्शन पर मेरा जो कि ब्लॉग पोस्ट का वेबसाइट मैंने लिंक दे चुका हूँ, वहाँ पर जो कि मैंने एक पोस्ट डाला है, मोसभा केंद्र आईडी कैसे ले, और जो कि डिस्ट्रिक्ट DM से कैसे कॉन्टैक्ट करें। तो भाई, वहाँ पर जो कि मैंने हमारा जो ओडिशा का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट में कितने DM है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनका सभी नंबर और नाम जो कि मैंने वहाँ पर फिल करके पोस्ट किया है, वहाँ से चेक कर सकते हो अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और कौन सा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का DM का नंबर लेकर कॉल पर बात कर सकते हो कि सर, मेरे GP पर मुझे एक मोसभा केंद्र आईडी लेना है, एक सेंटर खोलना है, बोल के कुछ इस तरह से आपको बात करना है। जैसे आपके बात करते हो तो भाई, और एक बात, जल्दी जल्दी आप जो कि DM को कॉन्टैक्ट करके जो कि आईडी पासवर्ड ले सकते हो, नहीं तो कोई और भी ले सकता है, क्योंकि एक GP पर एक ही आईडी मिलता है।
दो तीन ऐसा नहीं मिलता है और एक जीपी पर ही एक आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट आईडी है। मैंने जो कि गवर्नमेंट आईडी बार बार मैं बहुत बार बोला हूँ, क्योंकि भाई इन फ्यूचर वहाँ पर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस बहुत कुछ आ सकता है। ये आईडी लेते हो तो आपका जो कि मतलब इनकम भी कर सकते हो, जो भी वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से ही कमीशन आएगा, जितना भी आप काम करते हो आपको जो कि मंथली आपका इनकम आ जाएगा जो जो सर्विस पर भी आप काम करते हो। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हेल्पफुल लगे तो दोस्तों एक लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो दोस्तों वो लाल कलर का बटन को दबाना मत भूलना, और उसके साथ जो कि बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर, जब भी हम जो कि नया वीडियो अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपके पास पहले आएगा, और जो कि आप कुछ जो कि न्यूज़ लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है सब कुछ आप जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।